हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो है MT-15 का मॉडिफिकेशन को लेकर के, और जो लोग अपने MT-15 को मॉडिफाई कराना चाहते हैं वो ये वीडियो देख करके ज़रूर जाना, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए। राइट फ्रॉम द फ्रंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बाइक में फुल रैप किया गया है। इसका जो शॉकर है उसको रैप करके USD टाइप का थोड़ा लुक देने के लिए कोशिश किया है, और इसका आग जो है वो दोनों को रेड कर दिया गया है, और एक मॉन्स्टर स्टिकर भी वहाँ पे लगाया गया है। और ये जो सबका मिक्सचर है ये आपको अराउंड 100 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है। और जो इसका हेड है उसको पूरा निकाल दिया जाता है। अगर आप उसको रैप कराओगे तो वो पूरा आपको निकालना पड़ेगा, और प्रॉपर आपको शेप में कट करके लगवाना पड़ेगा। साथ में आपको विंगलेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि अराउंड 150 से 200 का प्राइस रेंज में आ जाता है। और इसमें इंडिकेटर फ्लैशर भी लगाया गया है, जो कि अराउंड 300 का कॉस्ट में पड़ा था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साथ में जलने से काफ़ी सारा खूबसूरत लगती है गाड़ी, और इसमें काफ़ी सारे मॉड्स देखने को मिल जाते हैं आपको, जो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप LED फ्लैशर लगा रहे हो तो अराउंड 3000 तक का जो रेंज में आता है उसे लगाना, एक प्रीमियम वाला, क्योंकि इसमें आपको टैंक हटा करके कुछ एक्स्ट्रा वायर के साथ वायरिंग करवाना पड़ेगा, और हो सकता है इन फ्यूचर वो शॉर्ट सर्किट कर दे आपके बाइक को और डैमेज कर दे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्लैशर लगवाएं तो एक अच्छी कंपनी का लगवाएं। हालांकि ये बाइक मेरी नहीं है, मेरे एक फ्रेंड की है और वो ये सब मॉडिफिकेशन करवाया हुआ है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाइक अब बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, जो मॉडिफिकेशन इसमें हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा सही लग रही है बाइक सामने से देखने में। और बार एंड मिरर्स इसमें लगा हुआ है, जो कि आपको अराउंड 200 से 300 के बीच में पड़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बाइक को वाइड कर रहा है। हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको मोबाइल होल्डर भी लगा हुआ है, जो कि अराउंड 300 समथिंग का प्राइस रेंज में पड़ा था। और इसके बारे में ये बोलूँगा, स्टडी तो है लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा नॉइज़ देखने को मिल जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हो, नीचे आपको टाइट करने का ऑप्शन मिलता है, और अपने हिसाब से आप टाइट कर सकते हो, और आराम से आप इसको लंबे राइड्स में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ, तो वो है इसका हॉर्न। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दो तरफ हॉर्न, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और इसका अराउंड प्राइस जो है वो 800 के समथिंग पड़ा था दोनों पेयर का। और एक बार आप सुन लो कैसा है हॉर्न, तो कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको हॉर्न का आवाज़। और काफ़ी ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ है हॉर्न का, और बाइक सच में सामने से बहुत ज़्यादा खूंखार मशीन लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और आपको MT-15 का रेडिएटर ग्रिल भी इसमें लगा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड 800 समथिंग का पड़ा था। और पता नहीं मैं कितना बार ये बात बोल रहा हूँ कि बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, बहुत ज़्यादा खूंखार, यहाँ रही मेरी MT-15। और इसको साथ में रखते हैं और चलो देखते हैं कैसा लगता है दोनों आमने सामने। तो आप कमेंट करके बताओ आपको नॉर्मल MT-15 ज़्यादा पसंद आती है या मॉडिफाइड MT-15। हालांकि दोनों अपनी जगह पर बेस्ट है, और इसमें आपको क्रैश कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि उसमें भी लगा हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश उसको हटा दिया गया है, लेकिन इन फ्यूचर वो लग जाएगी वापस। और कैसा लग रहा है आपको दोनों बाइक साथ में, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना फेवरेट मॉडिफिकेशन जो था वो आप बताना। तो चलो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन स्टे हेल्दी एंड राइड सेफ।